आज के इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए मैं दैनिक भास्कर की ओर से, उसके पाठकों की ओर से, उस परिवार की ओर से रुसेन कुमार जी को हार्दिक धन्यवाद और उनका अभिवादन करता हूँ। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी गणमान्य अतिथियों का, मंच पर बैठे हमारी देश के जो महत्वपूर्ण विभिन्न क्षेत्रों के कर्णधार रहे हैं, भास्कर चटर्जी जी, जिन्होंने CSR शब्द को जन्म दिया है, वो इस क्षेत्र के जनक हैं। उन्होंने देश को बढ़ाने के लिए सरकार के अलावा हमारे उद्योग जगत की क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसकी नई परिभाषा को लिखा है, उसकी नई दिशा को लिखा है। इसके लिए हम उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी, अपने लंबे समय से हम लोग देखते आ रहे हैं, जो जिम्मेदारी निभाते आए हैं, उन्होंने एकेडमिक प्रीमिसेस से बाहर निकल के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की है, उनका भी हम सम्मान करते हैं। हमारे वरिष्ठ सतीश झा जी, लंबे समय से पत्रकारिता के माध्यम से देश में अपना योगदान देते आए हैं, ऐसी विभूतियों के साथ मिलके हम लोग अगर रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो देश को एक निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण विकास का रास्ता आगे बढ़ेगा। उनका भी स्वागत है। रवि शर्मा जी, डबास साहब, सारे लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत और सम्मान करता हूँ। महत्वपूर्ण विषय आज ये है कि CSR कॉन्सेप्ट को जन्म तो डॉक्टर भास्कर चटर्जी ने दे दिया, लेकिन उसकी दिशा, उसकी उपयोगिता और उसकी सेफगार्ड करके उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी कॉरपोरेट सेक्टर के अलावा देश के सामान्य सभी नागरिकों की है। मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से डॉक्टर भास्कर चटर्जी ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस देश में जन्म दिया है, वही सिटीज़न कॉरपोरेट सिटीज़न सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वो एक ऐसा आयाम दें कि दोनों का सामंजस्य जब तक देश में नहीं होगा तब तक देश एक सब्सटेंशियल ग्रोथ नहीं पाएगा। हम लोग दिल्ली में और देश के सारे बड़े जगहों पर सर्वांगीण देश के विकास की बात करते हैं, शामिल होते हैं, लेकिन विडंबना ये है कि हमारे गांव आज उनकी दुर्गति जैसी की तैसी है। सरकार काम कर रही है, स्वयंसेवी संगठन काम कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस काम कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम कोई गांव की ओर नहीं जाना चाहते। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन गांव की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई कारगर और सक्रिय कोई प्रयास, जिसको एक एग्जम्पलरी मॉडल कहा जाए, उससे हम अभी काफ़ी दूर हैं। सवाल इस बात का पैदा होता है कि सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस लगातार हो रही हैं, बजट एलोकेशंस हो रहे हैं, डिबेट एंड सेमिनार्स हो रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन जिस पर ऑडिट किया जा रहा है वो बेचारा आज की तारीख में दीनहीन बना हुआ है। तो ऐसी शिक्षा और ऐसा ऑडिट या ऐसी नीति का
हम किस रूप में उसको स्वीकार करें, किस रूप में उसके बारे में हम सोचे विचारें, ये देश के सामने बहुत एक चिंतनीय विषय है। हम लोगों का मीडिया से जुड़े होने का मतलब यह है कि हम हर रोज़ गांव के गरीब आदमी से मेरा संपर्क होता है। देश में मीडिया ही एक ऐसा तंत्र है जो आम आदमी के पास उसकी खबर को रोज़ लेके आता है, उसकी नाराज़गी को सुनता है, उसकी अच्छाई को सुनता है, उसकी खुशी को सुनता है, तो हम लोग उसकी पल्स के ज़्यादा नज़दीक माने जाते हैं, हम लोग उसकी पल्स के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। जब बड़े सेमिनार होते हैं, सम्मेलन होते हैं, हमने बहुत सारे लोगों से बात कही, यूएन के ऑफिशियल से कहा कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलो, ब्लॉक लेवल पे चलो, गांव के लेवल पे चलो, पूरे देश में काम करने का काम करो, लेकिन एक दो जनपदों को, डिस्ट्रिक्ट को आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के एक एग्जाम्पलरी मॉडल के रूप में आप देश के सामने प्रस्तुत करो कि इस ज़िले को मैंने एक एडॉप्ट किया है एज ए पायलट, और सब यहाँ पर सारी ताकत को एक साथ मैंने सिंक्रोनाइज किया है कि ये देश के अन्य भागों के लोग जाने कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका एक जो एक मोमेंटम हो, वो एक बदला हुआ फेस देश के सामने आए। हम ऐसे किसी भी मूवमेंट में, किसी भी पॉलिसी में, किसी भी प्रोग्राम में, दैनिक भास्कर के बिहार पर आपको इस चीज़ का वचन देता हूँ कि आप जहाँ भी जो प्रोग्राम करेंगे, हम लोग तन मन धन से इस प्रोग्राम के साथ में, बशर्ते कंडीशन एक चीज़ की होगी कि आदमी की सूरत बदलनी चाहिए, आदमी का चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखना चाहिए, गांव में सफाई होनी चाहिए, गांव की महिलाएं खुशहाल और अच्छे कपड़ों में बच्चे स्कूल जाते हुए दिखें, पर्यावरण ठीक हो, तो इसका मतलब है कि हमने कुछ सार्थक काम किया है। लेकिन हर व्यक्ति गांव में जाने से बचता है, गांव में कार्यक्रम करने से बचता है, गांव को लोगों को बुलाने से बचता है। हम लोगों की मुसीबत यह है कि हम लोगों को रोज गांव के लोगों का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे माननीय आदरणीय अतिथि लोग आए हैं, डायस पर जितने हमारे अनुभवी गणमान्य नागरिक और प्रेरणा स्रोत ल्यूमिनरीज हैं, हम सब लोग आज इस बात का एक संकल्प लें, रेजोल्यूशन पास करें कि हम कैसे गांव के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, हम कौन सा जिला देश में चुनेंगे, हम कौन सा गांव देश में चुनेंगे जहां से हम अपनी सफल यात्रा का संदेश सारे देश में देंगे। कठिन विषय है, सारे देश में काम करने का कोई ऑडिट सिर्फ कागजों पर हो, एक देश एक जनपद में सफलतापूर्वक किए गए काम का ऑडिट सारा समाज देता है, उस देश के उस जनपद के नागरिक देते हैं। तो हम ऐसे मैनेजमेंट को जोड़ के, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जोड़ के, ब्यूरोक्रेसी को जोड़ के, और समाज के अखबार के सिस्टम को जोड़ के, और समाज के प्रबुद्ध जीवियों और एनजीओ को जोड़ के कुछ ऐसा कारगर काम ज़रूर देश के सामने एक नज़ीर के रूप में पेश करें, एक मिसाल के रूप में पेश करें कि आज 21वीं सदी में कोरे कागज़ की और ये डेटा बेस्ड जो एक पॉलिसी मेकिंग और प्रेजेंटेशन और सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, उनसे अलग हटके हमें कोई एक ऐसा उदाहरण पेश करें कि लोग हम लोगों को श्रद्धा और सम्मान की भाव से देखें कि ये अपने काम में कुछ ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, ये डेटा और आंकड़ों से खेल नहीं रहे हैं। आंकड़ों से देश का कोई इलेक्शन जीता गया, आप लोग बताइए? जब तक देश में ऐसा मूवमेंट नहीं चलेगा जैसे चुनाव के वक्त चलता है, घर घर का दरवाज़ा लीडर खटखटाता है,
आंकड़ों से काम नहीं चलता, खुद नहीं जाता है, रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है, चेहरा दिखाता है, सिंबल दिखाता है, वर्दी दिखाता है, ड्रेस दिखाता है, उसके बाद उसको अपनाता है। इस तरीके से अगर कोई एक बहुत इंटेंस मोमेंटम प्रोग्राम हम लोग नहीं चला पाएंगे तो हम लोग जो हम लोगों का एक आपसी विश्वास है और जो इसकी गरिमा है फिलंथ्रोपी की, उस गरिमा को बनाए रखना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि एक फैशन की तरह हो गया कि हर जगह फिलंथ्रोपी, हर जगह CSR और हर जगह कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और समाज को बढ़ाना, वुमेन एम्पावरमेंट करना, लेकिन कभी किसी ने देखा कि गाज़ियाबाद के अस्पताल में, फरीदाबाद के अस्पताल में कितनी महिलाएं बच्चे परेशान हैं? गांव में कोई गांव अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जिला अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, स्कूल अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम अपनी बात को संक्षेप में समाप्त करते हुए अपना प्लेज आप लोगों के सामने रखते हुए कि कोई व्यवहारिक कार्यक्रम एज ए प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रैग्मेटिक पॉलिसी प्रैग्मेटिक प्रोग्राम शुड बिकम आउट, जिससे लोगों का हमारे पर दुआ निकले, हमारे प्रति श्रद्धा पैदा हो, हम लोगों के प्रोग्राम के प्रति श्रद्धा हो और एक सम्मानी देश के नागरिक होने के नाते हम उनके प्रति ईमानदारी से कुछ कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।